सोलन में वेटनरी दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला भर से आए पशु चिकित्सकों और गांव वासियों ने अपने विचार रखे। चिकित्सकों ने खाद्य सुरक्षा में सुधार तथा पशु चिकित्सा पेशे की भूमिका पर अहम मंथन किया। वहीं किसानों और गांव वासियों को पशुओं से संबंधित विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बीमारियों और पशुओं के चारे व खुराक संबंधी पशुपालकों के कई संशयों को दूर कर उनका मार्गदर्शन किया। अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि वेटनरी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर किसानों और पशुपालकों को विस्तार से पशुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि उनका विभाग शहर में बढ़ रही कुत्तों की समस्या को लेकर भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि कुत्तों की संख्या को लेकर विभाग नगर परिषद के साथ मिलकर साल में विशेष अभियान चलाता है, जिसमें कुत्तों की नसबंदी की जाती है। साथ ही आवारा पशुओं के लिए भी योजना चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें गौशालाओं में भेजा जा रहा है। जो सतत आजीविका है किसान की बनी रहे, और उसके साथ जो फूड सिक्योरिटी है कि जो खा रहे हैं एनिमल प्रोटीन मिलती है हमारे जानवरों से, उसकी जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाए। और साथ में ये है कि जो हमारा प्रोफेशन है एक ऐसे उससे जुड़ा हुआ है कि हम केवल जानवरों का इलाज कर रहे हैं जो कि कभी बोल नहीं सकते। तो वेटियंस का मेन रोल है हमारे जानवरों की सेवा करना और अपने प्रोफेशन को आगे ले जाना, और साथ में जो पशुपालक इससे जुड़े हुए हैं अपने व्यवसाय से, उनकी सेवा करना हमारा मेन लक्ष्य है। एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए हर अस्पताल में कैंप्स लगवाए हैं और उसी के अनुसार हम यहाँ पे अपने वेटनरी पॉलीक्लिनिक में म्युनिसिपल कमेटी के सहयोग से चाहते हैं कि और भी जो हमारे जो स्टे डॉग्स हैं उनको एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रोग्राम में अंतर्गत टीकाकरण भी कराया जाए और साथ में उनके बधियाकरण भी हो जाए, तो उससे पॉपुलेशन कम भी हो जाएगी और जो हमारे समाज है उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी।